हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज लेंथ को मेजर करने के लिए किया जाता है। आप लोग 9th-10th क्लास में ही पढ़े हैं कि सेंटीमीटर स्केल होता है और क्या होता है, मीटर स्केल होता है, या उसको मिलीमीटर स्केल भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? मीटर स्केल और मिलीमीटर स्केल। सेंटीमीटर स्केल को आप यूज करके यदि लेंथ मेजर करना चाहो, है ना, सेंटीमीटर स्केल पे क्या होता है, एक डिवीजन जो होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का होता है। तो आप यदि सेंटीमीटर को यूज करके लेंथ मेजर करना चाहोगे तो आप मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकते हो? मोर एक्यूरेटली 1 सेंटीमीटर। कितना लेंथ? 1 सेंटीमीटर ही मेजर कर सकते हो मोर एक्यूरेटली। यदि आपसे मैं पूछूं कि नहीं, 1 सेंटीमीटर से छोटा, मान लो कि 1 मिलीमीटर है ना, 1.5 मिलीमीटर मुझे लेंथ मेजर करना है, तो क्या आप सेंटीमीटर स्केल यूज कर सकते हो? नहीं, है ना। तो सेंटीमीटर स्केल का जो ड्रॉबैक क्या है कि 1 सेंटीमीटर से मिनिमम लेंथ को वो मेजर नहीं कर सकता है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिलीमीटर स्केल और मीटर स्केल का यूज करते हैं, जो जनरली मेटेलिक स्ट्रिप से क्या होता है, बनाया जाता है ना। उसमें भी आप देखेंगे कि मेटेलिक स्ट्रिप, आई मीन क्या होगा, मिलीमीटर स्केल और मीटर स्केल में 1 डिवीजन जो होता है कितना होता है, 1 डिवीजन इज इक्वल टू क्या होता है, कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय यूजिंग, है ना, मिलीमीटर स्केल और मीटर स्केल, वी कैन मेजर लेंथ अप टू 1 मिलीमीटर। मिनिमम लेंथ 1 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना, मिनिमम। यदि आप 1 मिलीमीटर से छोटा या कम लेंथ मेजर करना चाह रहे हो तो फिर आप वहाँ मिलीमीटर स्केल नहीं यूज कर सकते यार। जैसे मैं बोलूँ 0.5 मिलीमीटर लेंथ मुझे मेजर करना है, 0.2 मिलीमीटर लेंथ मुझे मेजर करना है, तो वहाँ क्या होगा, इसका हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ यू वांट टू मेजर, है ना, लेंथ, मिनिमम लेंथ मोर एक्यूरेटली या एक्यूरेटली, मिनिमम लेंथ लेस देन 1 मिलीमीटर मोर एक्यूरेटली, देन हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, स्क्रू गॉज यूज करते हैं, है ना, ठीक है, जो आगे हम पढ़ेंगे स्क्रू गॉज, है ना। तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर जो होता है, इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर से क्या है, मिनिमम, आई मीन 1 मिलीमीटर से स्मॉलर लेंथ को हम मोर एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं 2 पॉइंट लिख लेता हूँ, है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केल, है ना, क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केल मेजर्ड मिनिमम मिनिमम लेंथ 1 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोर एक्यूरेटली, है ना, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, मिलीमीटर, मिलीमीटर और मीटर स्केल मेजर्ड, क्या होगा, मिलीमीटर और मीटर स्केल मेजर्ड मिनिमम लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर, है ना। तो वर्नियर कैलिपर का काम क्या होता है कि इफ यू वांट टू मेजर, है ना, लेस देन क्या होगा, इफ यू वांट टू मेजर क्या होगा, लेंथ लेस देन क्या होगा, 1 मिलीमीटर, तो हम किसका यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज का यूज करते हैं, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर, है ना,
वर्नियर, कैलिपर्स, मेजर्ड, है ना, लेंथ, मेजर लेंथ, लेंथ क्या होगा, लेस देन 1 मिलीमीटर, एंड ग्रेटर देन क्या होगा, एंड ग्रेटर देन क्या होगा, 0.01 मिलीमीटर, याद रखना है। इससे यदि आप छोटा यूज करना चाह रहे हो तो दूसरा कुछ, तो वर्नियर कैलिपर्स जो क्या होता है, बेसिकली इट इज यूज टू मेजर लेंथ, है ना, लेस देन क्या होगा, 1 मिलीमीटर, है ना, ये मिनिमम लेंथ जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम तो कुछ भी यार मेजर कर सकता है ना, मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, मोर एक्यूरेटली क्या होगा, 1 मिलीमीटर, है ना, और क्या होगा, अभी मत समझना कि ये मिलीमीटर क्या होगा, आई मीन इससे यदि क्या होगा, ये तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इससे अच्छा इसको हटा दो, है ना, सिंपल ये लिख लो, है ना, तो हम लिख सकते हैं वर्नियर कैलिपर मेजर लेंथ क्या होगा, लेंथ लेस देन 1 मिलीमीटर एक्यूरेटली, ठीक है, क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1 मिलीमीटर क्या होगा, एक्यूरेटली, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है, बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो मेन स्केल होगा, देखो ये क्या है, मेन स्केल है ना, मेन स्केल क्या है, ये वाला मेन स्केल है, और ऊपर क्या है, एक ऊपर जो स्केल है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल बोलते हैं, इसको क्या किया जा सकता है, इसको स्लाइड किया जा सकता है, इसमें मेन स्केल पे वर्नियर स्केल को हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, और फिक्स करने के लिए यहाँ क्या होता है, स्क्रू होता है ना, क्या होता है, स्क्रू होता है। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जॉ, जॉज, है ना, तो जॉ का जो यूज होता है, देखो इसमें 2 जॉज है, क्या है, जॉ, ये क्या है, बी और ये क्या है, सी ए, है ना, तो आपको जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ या डायमीटर या कुछ भी मेजर करना होता है, हम क्या करते हैं उसको, इसमें हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, है ना, कहाँ रखते हैं, ए बी के बीच क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, कैसे फिक्स करेंगे, इसको स्क्रू को थोड़ा लूज करके, और इसको क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है या स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको ए बी जाओ के बीच क्या करेंगे, हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मेन स्केल के बारे में थोड़ा समय आपको बता देता हूँ, कि मेन स्केल क्या होता है, कि मेन स्केल मेटालिक स्ट्रिप से बना होता है ना, और उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है ना, वन डिवीजन जो होता है वो कितने मीटर के इक्वल होता है, 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, क्या होता है, 1 मिलीमीटर के इक्वल होगा, क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है, ये याद रखना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर के क्या होगा, इक्वल होगा। लिस्ट काउंट जो होगा, इसका लिस्ट काउंट अभी आपको मालूम चलेगा कि लिस्ट काउंट क्या होता है, कि मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, हम मिनिमम वैल्यू मिनिमम लेंथ या मिनिमम वैल्यू हम मोर एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वही क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। तो मिनिमम लेंथ जो होगा मेन स्केल के द्वारा हम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर, इसलिए इसका लिस्ट काउंट जो होगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर होगा, है ना, तो ये ध्यान देना। उसके बाद क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल जो होता है क्या है, इसमें क्या होगा, स्लाइड होगा, क्या होगा, इसमें स्लाइड होगा, है ना, इसमें क्या होगा, स्लाइड करेगा, है ना, तो वर्नियर स्केल में भी क्या होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं, याद रखना। देखो इधर मैंने बताया, इधर नीचे यहाँ वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, 10 होंगे, है ना, क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन जो होगा वो क्या होगा, 10 होगा। अब अपने को क्या करना है,
क्या करना है कि हाँ 10 डिवीजन होता है, और इसमें आई मीन नॉर्मल वर्नियर स्केल, आई मीन नॉर्मल वर्नियर स्केल में क्या होता है कि 1 डिवीजन जो होता है वो 0.1 मिलीमीटर का होता है. क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर का होता है. क्या होता है? 0.1 मिलीमीटर का होता है. ठीक है. यहाँ तीसरा जो क्या होता है, एक मेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, इधर लगाया जाता है. इसका काम क्या होता है कि डेप्थ ऑफ द वेसल जो होता है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है. जब आप इसको क्या करोगे, इधर मूव कराओगे तो क्या होगा, बाहर भी आ सकता है और क्या हो सकता है, अंदर ही. फिक्स नहीं होता है, मूवेबल भी होता है. ठीक है. तो इसका काम क्या होता है, मेटालिक स्ट्रिप, इसका काम क्या होगा कि डेप्थ ऑफ द वेसल मेजर करने के लिए क्या इसको यूज किया जाता है. ठीक है. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है. लिस्ट काउंट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो लिस्ट काउंट कोई बोलेगा नॉर्मल वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे, 0.1 मिलीमीटर नॉर्मल. ऐसे क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, वही से देखो, ये तुमसे वर्किंग रूल है, स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा. अभी जो आई मीन रीडिंग हम कैसे मेजर करेंगे, और अभी मैं बताऊंगा कि नहीं, देखो वर्नियर स्केल का काम क्या है, आई मीन वर्नियर कैलिपर का काम क्या होता है, किसके लिए हम यूज करते हैं. जब हम रीडिंग लेंगे इसको यूज करके तब आपको मालूम चलेगा. तो केवल आप याद रखना कि वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का यूज जो होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर से कम लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं. वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल्स होते हैं. क्या होता है, मेन स्केल्स होता है. मेन स्केल क्या होगा, फिक्स होगा. समझ में आया ना, ये जाओ जो है इससे क्या होता है, फिक्स होता है. और वर्नियर स्केल जो क्या होता है वो इसमें स्लाइड करेगा. एंड जिस ऑब्जेक्ट के लेंथ को आप मेजर करना चाहते हो उसको कहाँ फिक्स करोगे, ए बी के बीच क्या करो, आपको कोई स्फीयर है तो स्फीयर को यदि मेजर करना है, स्फीयर का डायमीटर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ फिक्स कर देंगे. ठीक है. स्फीयर यही क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, जो चीज मेजर करना है, जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ, उसको क्या करोगे, आप यहाँ फिक्स कर दोगे. ठीक है. अब हम आते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे लिखेंगे, फिर इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो इसको लिख लेना तुम लोग, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है ना, उसको लिखना है. अब क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे, लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग मेजरिंग तो ये समझ में आया ना कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्या होता है, लेंथ मेजर करने के लिए किया जाता है. सिंपल याद रखना है ना. तो लिस्ट काउंट क्या होता है, द मिनिमम मेजरिंग, क्या होगा, द मिनिमम मिनिमम मेजरिंग या मिनिमम वैल्यू, सिंपल मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मोर एक्यूरेटली is called list count of instrument. ये ध्यान. तो अब देखो क्या होगा, समझ में आया ना कि मिनिमम वैल्यू हम कितना मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को. अब मिनिमम वैल्यू ही मत समझना कि लेंथ ही मेजर करेंगे यार, टाइम भी तो मेजर कर सकते हैं. स्टॉप वॉच हम यूज करते हैं टाइम मेजर करने के लिए, है ना. टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं, है ना. यदि सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं, मीटर स्केल यूज करते हैं. अभी वर्नियर कैलिपर स्केल मैंने बताया, इसको भी हम क्या करते हैं, यूज कर वर्नियर कैलिपर्स बताया.
कि इसको भी हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए क्या है, मिनिमम वैल्यू आप जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मोर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, जनरली इट इज डिनोटेड, है ना, ऐसे लिख लेना, डिनोटेड एज LC। LC का मतलब क्या हुआ, लिस्ट काउंट, क्या होगा, लिस्ट काउंट। तो देखो, तो यहां लिख देंगे कि लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, किसके लिए होगा, सेंटीमीटर स्केल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, 1 मिलीमीटर किसके लिए होगा, मीटर स्केल का जो, और क्या होगा, यहाँ नॉर्मली मैं लिख देता हूँ, इन जनरल नहीं होता क्योंकि हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ये क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है कि पॉइंट क्या होगा, 1 मिलीमीटर नॉर्मली लिखता हूँ, है ना, या ऑर्डिनरी सिंपल लिखना, ऑर्डिनरी वर्नियर, ये कैसे आता है मैं बताऊंगा, कैलिपर्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर किसके लिए होता है, स्क्रू गॉज के लिए। ठीक है, और स्टॉप वॉच के लिए कितना होता है ये भी लिख लो, है ना, स्टॉप वॉच के लिए भी कितना होता है ये भी आप लिख सकते हो, है ना। तो ये ध्यान देना है, इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे देखो अभी, है ना, स्टॉप वॉच के लिए, है ना, तो फॉर क्या होगा, फॉर स्टॉप वॉच कितना होगा, 0.1 सेकेंड लिस्ट काउंट। ठीक है, और फॉर क्या होगा, थर्मोमीटर याद रखना 1 डिग्री सेल्सियस, थर्मोमीटर यूज करके क्या कितना टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कि इन जनरल मैंने क्या बताया था कि ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर होता है। और जनरली ये जो लेंथ होता है इसका याद रखना है, है ना, क्या होगा, जनरली जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट 9 मीटर होता है, 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर का ये क्या होता है, लेंथ होगा। ठीक है, ये ध्यान है। अब हम क्या कंसीडर करें, कैलकुलेशन ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ क्या होगा, वर्नियर स्केल। ये तो जनरल रिजल्ट रहा, है ना, अभी हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लिस्ट काउंट, इसको LC और लिस्ट काउंट भी बोलते हैं और वर्नियर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, वर्नियर कॉन्स्टेंट VC ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमको ये मालूम नहीं है, है ना, तो लिस्ट काउंट क्या होता है, पहले हम ये लिख देते हैं लिस्ट काउंट क्या होगा, है ना, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो लिस्ट LC इक्वल टू क्या होगा, VC इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन
माइनस क्या होगा वन वर्नियर स्केल डिवीजन। यही क्या होता है लिस्ट काउंट होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं वर्नियर कॉन्स्टेंट बोलते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन है ना माइनस क्या हो जाएगा वन वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ लिख देता हूँ है ना कि वन है ना मेन स्केल डिवीजन। ये याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे जो पढ़ा है वो नहीं भी याद हो तो चलेगा, केवल याद रखना कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्यों करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो वन मेन स्केल डिवीजन दिस इज क्या हुआ वन वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है यही क्या है तुमको मालूम रखना है। अब हम ये मान लें है ना अब क्या होगा देखो वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो क्या होगा इन जनरल क्या होता है स्मॉलर होता है क्या होता है मेन स्केल डिवीजन से है ना। ठीक है तो यहाँ यदि हम कंसीडर कर लें कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या है n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। क्या होगा n वर्नियर स्केल डिवीजन यदि हम मान लें कि लेट लेट n क्या होगा n वर्नियर स्केल डिवीजन है ना। यहाँ लिखें कि लेट n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। कोई डाउट है इसमें n वर्नियर ये दिया रहेगा कि इतने डिवीजन इसके क्वेश्चन में दिया रहेगा आप टेंशन मत लो है ना ये दिया रहेगा। ठीक है तो n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन अपॉन n क्या हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। फिर से सुनो ये दिया रहेगा कि इतने वर्नियर स्केल डिवीजन इतने मेन स्केल डिवीजन के क्या है इक्वल है। ठीक है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने माना कि n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या है n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। क्या है n माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन अपॉन n m मेन स्केल डिवीजन। फिर से सुनो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा देखो वन माइनस वन अपॉन n। ठीक है ना इंटू क्या हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। कोई डाउट नहीं है ना। अब ये देखो यहां ध्यान से यहां से हम लिख सकते हैं नाउ नाउ लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा लिस्ट काउंट आई मीन एल सी और देखो यहां और वर्नियर कॉन्स्टेंट भी लिख देते हैं वर्नियर कॉन्स्टेंट वी सी इज इक्वल टू क्या होगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है देखो वन माइनस वन अपॉन एन इंटू क्या होगा मेन स्केल डिवीजन। ये कितना हो जाएगा देखो मेन स्केल वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन क्या होगा एन। तो ये याद रखना है जनरली क्या होगा कि लिस्ट काउंट आई मीन क्या होगा एलसी ये याद रखना है ना। इसी से क्वेश्चन आता है आरटी में कई बार आया हुआ है। तो वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन क्या होगा एन एन क्या है नंबर ऑफ क्या होगा वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है क्या होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है ना। तो क्या होगा रीडिंग ऑफ क्या होगा वन मेन स्केल डिवीजन। यहां लिख देते हैं देखो ध्यान से इसको हम क्या पढ़ेंगे रीडिंग ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन और दिस इज क्या है नंबर ऑफ डिवीजन
ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये रट जाना है। ठीक है, वो क्या है कि वो जो डायग्राम मैंने जो ड्रॉ किया वो नहीं भी आता है आपको, चलेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये लिस्ट काउंट से न्यूमेरिकल आता है, हमेशा लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं पूछा गया है ना, तो आपको ये आना चाहिए, है ना। उसके बाद अब ये हुआ, देखो फॉर लिखे क्या कि फॉर ऑर्डिनरी जो मैंने लिखा था, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ऑर्डिनरी ही वर्नियर कैलिपर कंसीडर करते हैं। कैलिपर्स क्या होगा, 1 MSD इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग है ना, है ना, मेन स्केल रीडिंग कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है, और नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे किसका, आई मीन लिस्ट काउंट फॉर क्या होगा, ऑर्डिनरी। देखो कुछ रटना ही नहीं है इसमें, एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस क्या होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, बस यही आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। क्या करना है, माइंड में रखना है। जैसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर देखो तो लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट LC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 0.1। यही तो बताया था यार, बताया था क्या, यही तो लिखा था मैंने, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ सम करते हैं, है ना। जैसे देखो फिर हम आते हैं कि रीडिंग कैसे लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ इस पर सम कर जाए, है ना, कि हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो एंड डिवीजन ऑन द मेन स्केल, ये IIT देखो ये क्वेश्चन कब का है, एग्जाम्पल हम देखें, ये कब का है, IIT JEE लिख लो, है ना, JEE 2003 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, दिया हुआ है कि N डिवीजन ऑन द मेन स्केल क्या है, कैपिटल N डिवीजन ऑन द क्या होगा, ऑन द मेन स्केल, एंड डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ ऑफ ए वर्नियर कैलिपर कैलिपर्स डिटरमाइंड द क्या होगा, या पहले हम क्या करते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, एंड डिवीजन ऑफ द क्या होगा, मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स, है ना, क्या होगा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद N+1 डिवीजन ऑफ N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, कुछ इफ इज डिवीजन ठीक है, इफ इच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज, इफ इच डिवीजन ऑन द क्या होगा, मेन स्केल इज क्या होगा, ए। यहां हमने इच डिवीजन मेन स्केल का कितना था यार, 1 मिलीमीटर, लेकिन वहां यहां IIT में 1 मिलीमीटर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 MSD के जगह हम क्या रखेंगे यार, कितना रखेंगे, MS 1 मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, रीडिंग
वन मेन स्केल रीडिंग या रीडिंग ऑफ वन MSD कितना होगा, ए हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो देखो आसानी से क्या होगा, ऑन द मेन स्केल इज ए, ठीक है, ए यूनिट दिया हुआ है, ए यूनिट। डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ, फाइंड द क्या होगा, लीस्ट, लीस्ट काउंट ऑफ है ना इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यहां क्या है, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या माना था कि n डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो n माइनस वन डिवीजन ऑफ क्या होगा, मेन स्केल से क्या हो रहा है, कॉइंसाइड हो रहा है ना, क्या है, n वर्नियर डिवीजन जो है वो क्या है, मेन स्केल से क्या है, कॉइंसाइड हो रहा है ना। तो यहां आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहां क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया, फिर से मैं बता दूं आपको कि क्या होगा कि n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स कॉइंसाइड विद n प्लस वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल्स इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ए यूनिट, फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फाइंड द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब लिस्ट काउंट कितना होता है देखो, तो पहले लिस्ट काउंट लिख दें यहां, तो लिस्ट, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 MSD माइनस क्या होगा, 1 VSD, ठीक है, बस यही है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो दिया हुआ है कि n प्लस वन डिवीजन क्या है, और वन डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मेन स्केल क्या है यार, ए है, याद रखना है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, देखो कि n, n प्लस वन डिवीजन है ना, n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, आई मीन n प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या है, n मेन स्केल डिवीजन, यही है ना यार। अरे n प्लस वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है n मेन स्केल डिवीजन से क्या है, हो रहा है, कॉइंसाइड हो रहा है। तो यहां लिख सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन n प्लस वन मेन स्केल डिवीजन, और वैल्यू रख दो यार उसमें। तो देखो तो लिस्ट काउंट, ये इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकेंड, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 MSD माइनस n अपॉन n प्लस प्लस 1 MSD, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 1 इंटू क्या होगा, MSD अपॉन क्या होगा, n प्लस क्या हो गया, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द रीडिंग ऑन मेन स्केल। रीडिंग रीडिंग ऑन क्या होगा, और रीडिंग ऑफ इस डिवीजन ऑन क्या होगा, मेन स्केल, ठीक है, क्या होगा, इस डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो यहां से वैल्यू देखो, तो रीडिंग कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ है क्या, ए यूनिट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, एन प्लस, सिंपल, क्या लिख देंगे, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस क्या हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखो, जेई क्या है, दूसरा एक एग्जांपल देखो है ना, देखो इन वर्नियर कैलिपर्स सेकंड एग्जांपल देखो, इसी से आता है कि हम कैसे लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। एक तो ऑर्डिनरी का कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर हो तो रट जाना, यदि ऑर्डिनरी दिया हुआ नहीं आया तो हम ऐसे कंसीडर करें। तो यहां क्या दिया हुआ है कि इन वर्नियर कैलिपर्स कैलिपर्स है ना, n डिवीजन ऑफ द क्या होगा, देख हमेशा दिया रहेगा n डिवीजन, डिवीजन ऑफ द क्या होगा,
मेन स्केल, मेन स्केल कोइंसाइड विथ एन प्लस एम डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, फाइंड द क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो यहां दिया हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम सो दैट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी, क्या होगा, मस्ट बी मिन। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब अगेन वही है, लिस्ट काउंट देखो सॉल्यूशन क्या है, यहां केवल ये जितने डिवीजन दोनों का है उसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहां से लिख सकते हो देखो कि लिस्ट काउंट पहले तो हम लिख दें क्या होगा, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, एन प्लस एम डिवीजन ऑफ द क्या होगा वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एन मेन स्केल डिवीजन, यही है ना, तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन एन प्लस एम मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लिख देंगे, सिंपल यार, देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ है ना, देखो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है ना, तो लिस्ट काउंट का वैल्यू रखो, तो लिस्ट काउंट में वन वर्नियर स्केल डिवीजन का हम वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वन एम एस डी माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, एन अपॉन एम प्लस क्या है, एन है ना, एम एस डी, तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एम अपॉन एम प्लस एन क्या होगा। ठीक है, अब यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस क्या होगा, एन अपॉन क्या होगा, अब एम एस डी यहां नहीं दिया है तो हम कितना कंसीडर कर लेंगे, रीडिंग ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना हम मानेंगे, 0.1 मिलीमीटर, उसकी जरूरत नहीं है, एम का वैल्यू निकालना है अपने को। अब देखो इसको मिनिमम होने के लिए एम को क्या, देखो तो एम जितना बढ़ाओगे है ना, एज एम इंक्रीजेस क्या होगा, ये डिनोमिनेटर जो क्या होगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, समझ में आया ना, क्या होगा, देखो तो ये यदि कम करोगे क्या होगा, डिनोमिनेटर सॉरी बढ़ेगा नहीं, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कि एम क्या होगा, एम इंक्रीजेस है ना, क्या होगा, वन प्लस क्या हो जाएगा, वन प्लस एन अपॉन एम क्या होगा, डिक्रीजेस, एंड हेंस क्या होगा, एलसी क्या होगा, इंक्रीजेस। समझ में आया क्या ये बात, अरे जब आप एम बढ़ाओगे है ना, तो एन अपॉन एम क्या होगा, कम होगा, और वो कम होगा तो वन अपॉन दैट विल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहां इसलिए मैंने लिखा एज एम इंक्रीजेस क्या होगा, वन प्लस एन अपॉन एम क्या होगा, डिक्रीजेस, एंड हेंस एलसी लिस्ट काउंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए और एम क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो क्या होता है, कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता था, एम का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एम ऑलवेज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो तो एम का मिनिमम, एम जितना मिनिमम होगा, एम मिनिमम होगा तो ये वाला क्या होगा, मैक्सिमम होगा है ना, और ओवरऑल लिस्ट काउंट क्या होगा, मिनिमम होगा, समझ में आ रहा है, देखो तो एम मिनिमम होगा तो ये वाला जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा यार, और ये जब मैक्सिमम होगा तो वन अपॉन दिस क्या होगा, मिनिमम होगा, समझ में आया ये बात।
फिर से मैं समझा दूं, देखो m जितना ही कम होगा उतना ही 1 प्लस n अपॉन m क्या होगा, बड़ा होगा, और जितना ही 1 प्लस n अपॉन m बड़ा होगा उतना ही उसका रेसिप्रोकल क्या होगा यार, कम होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना, नहीं तो इधर फिर से लिख देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ नहीं है, मैथ्स है इसमें। तो क्या होगा, ये समझ में आया है ना, तो तब लिखे क्या कि इफ क्या होगा, इफ m इज क्या होगा मिनिमम, देन मिनिमम एंड क्या होगा मिनिमम, देन क्या होगा, देन 1 प्लस n अपॉन m क्या होगा मैक्सिमम, एंड एंड लिस्ट काउंट इज विल बी क्या होगा मिनिमम। समझ में आया ना, तो इसलिए और मिनिमम जो m का मिनिमम वैल्यू आप कितना, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा m शुड भी क्या होना चाहिए 1। ये आपको समझ में आया ना कि नंबर ऑफ डिवीजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, मिनिमम कितना होगा, आई मीन m शुड भी क्या होगा, m शुड भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा 1 होगा। तो इसलिए लिखेंगे कि क्या होगा फॉर लिस्ट काउंट, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा लिस्ट काउंट m should be क्या होना चाहिए इक्वल टू, ठीक है ए? अब रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल कैसे लिखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। ये तो हम लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखो क्या होगा जब क्या होगा, अब हम यहां पढ़ेंगे कि अब देखो जब क्या होगा, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन जॉ ए एंड क्या होना बी, देन क्या होना चाहिए जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, है ना, क्या होगा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मस्ट बी कोइंसाइडेड विद द क्या होगा जीरो ऑफ मेन स्केल। ठीक है, यदि ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कोइंसाइड होंगे तो कोई एरर नहीं होगा, है ना, देयर विल बी नो एनी एरर। तो हम यहां मानते हैं कि क्या है एरर फ्री है, आई मीन कोई एरर नहीं है। ठीक है, अभी हम मानते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे कि जीरो एरर पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है नेगेटिव भी होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिबर्स, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिबर्स, तो रीडिंग इक्वल टू क्या होगा, देखो ये रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा n प्लस स्मॉल n इनटू लिस्ट काउंट LC लिस्ट काउंट, और इसी को क्या बोलेंगे, और इसी को क्या बोलेंगे n प्लस स्मॉल n इनटू वर्नियर कांस्टेंट, है ना। ऐसे ही हम क्या करते हैं रीडिंग लिखते हैं। वेयर n क्या है, n क्या है, n जो होगा वो क्या है कैपिटल n क्या है, रीडिंग बिफोर क्या है जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, है ना, वही है ना, n इज इक्वल टू क्या है रीडिंग बिफोर क्या होगा मेन स्केल, है ना। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे m इज इक्वल टू क्या होगा मेन स्केल रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, n क्या है,
nth क्या है, nth क्या है, nth division of क्या होगा, n क्या है, division of, क्या है, division of, division of वर्नियर स्केल कोइंसाइडेड विथ क्या होगा, ठीक है, और एल क्या है, एल सी क्या है, लीस्ट काउंट, और वी सी क्या है, वर्नियर कॉन्स्टेंट, क्या है, वर्नियर कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, यूज करके हम रीडिंग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे इससे भी, है ना, तो देखो हम कैसे, सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये दिया हुआ है कि इन द डायग्राम शोन, देखो एग्जांपल है ना, इन द क्या होगा, इन द डायग्राम शोन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड क्या होगा, फाइंड, है ना, नहीं ऐसे देखो, है ना, हाँ, इन द डायग्राम शोन फाइंड, फाइंड द क्या होगा, लेंथ ए बी, है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, यही क्या है, ये मेन स्केल है, है ना, ठीक है। इसमें अब देखो यहां क्या है, ये जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर वन है ना, टू थ्री फोर, ये कितना हो गया, वन हो गया, है ना, फिर यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये टू हो गया, ठीक है, और थ्री भी दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ इधर, याद है, वन टू थ्री फोर, ये मेन स्केल है ना, क्या है, दिस इज मेन स्केल, ठीक है, क्या है, ये मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल देखो यहाँ दिया हुआ है कि यहां से, है ना, यही क्या है, ये है, यहां से यहां ये एंड क्या है, यही है, मान लो कि ये क्या है, रॉड है, एक रॉड है, है ना, दिस इज रॉड, ये आसान डायग्राम है वो, ठीक है। इसी का मुझे क्या करना है, लेंथ मेजर करना है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, अब देखो यहाँ ये दिया हुआ है कि यही क्या है, वर्नियर स्केल है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, ठीक है। इसमें वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन होंगे, कितने डिवीजन होंगे, 10 डिवीजन होंगे, याद रखना है, क्या होगा, 10 डिवीजन होगा, है ना, और इसमें आपको क्या किया गया है, दिस इज वर्नियर, इसको वी से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ जो दिया हुआ है कोर्स क्या होगा, 10 डिवीजन होगा, तो देखो ध्यान से, एक डिवीजन ये हुआ, ये दो तीन, है ना, ये चार, ये पाँच, छ सात आठ नौ, यही, ठीक है, ये वन टू थ्री फोर फाइव, आई मीन ये क्या हो गया आपका, जीरो हो गया वर्नियर स्केल,
ठीक है, अपने को क्या मेजर करना है, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, पहले क्या करना है, नॉर्मली क्या करना है आपको, रीडिंग मेजर करना है। तो देखो इस लेंथ का जो रीडिंग हो, देखो आप वर्नियर कैलिपर यूज क्यों करते हैं, यहाँ तक तो यार 1 मीटर तुम आसानी से क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते। इसका अप्रॉक्सीमेट लेंथ कोई बोले तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, 1 पॉइंट क्या, आई मीन क्या होगा, 1 से क्या होगा, ये भी जो होगा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और 1 पॉइंट क्या होगा, 1 से सेंटीमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। अरे देखो एक ए वाला देखो, ये क्या है, इसके और इसके क्या है, बीच में लाइगर है ना। और मेन स्केल क्या होता है, मेन स्केल ऑन क्या होगा, ऑन मेन स्केल क्या होगा, क्या होगा, 1 डिवीजन, डिवीजन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलीमीटर, और इसको बोल सकते हैं कि 0.1 सेंटीमीटर भी होगा। सही है ना, कोई डाउट नहीं है, बस यही। तो एन क्या, मैंने यहाँ कंसीडर किया, एन क्या है कि रीडिंग ऑफ द मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ क्या होगा, बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर कैलिपर, सॉरी वर्नियर स्केल, बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल यही है ना, इसके पहले मेन स्केल का रीडिंग क्या है, देखो ये 1 मीटर हो जाएगा यार, है ना, और ये कितना हो जाएगा, यही अपने को क्या करना है, मेजर करना है। तो n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मीटर नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, गलत बोल दिया है ना, क्या होगा, 1 सेंटीमीटर है ना, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से तुम देख करके बता सकते हो कि देखो कि लेंथ ऑफ ए बी जो होगा, हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्या होगा, लेंथ, लेंथ ऑफ ए बी क्या होगा, आई मीन क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 1.1 सेंटीमीटर, और ग्रेटर देन क्या होगा यार, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखने से लग रहा है, अब 1 सेंटीमीटर हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन इसके बाद वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला आई मीन ये वाला, यहाँ से ये वाला लेंथ है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम यूज करते हैं क्या, वर्नियर कैलिपर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है ध्यान, अब मैंने क्या बताया कि एन क्या है कि मेन स्केल का कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ कौन सा डिवीजन है, ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और क्या है, फोर्थ, यही क्या है, फोर्थ। तो फोर्थ डिवीजन मेन स्केल से क्या किया है, कोइंसाइड किया है, किससे कोइंसाइड किया है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेन स्केल के किस डिवीजन से वो कोइंसाइड किया है कोई मतलब नहीं, ये देखना है कि कौन सा डिवीजन जो है वो मेन स्केल के डिवीजन से क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, मिल रहा है। तो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, आई मीन सॉरी वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मिल रहा है, मुझे केवल वही डिवीजन चाहिए, ठीक है। तो अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां, तो रीडिंग ऑफ यहां क्या है, एन, एन समझ में आया ना, एन क्या मैंने लिखा है, फिर से देखो, रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, क्या है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, फिर से सुनो, कैपिटल एन क्या है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो देखो तो n इक्वल टू कितना मेजर कर रहा है, 1 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिख देंगे यहां, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन सा डिवीजन कौन साइड हो रहा है, कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मिल रहा है ना, मीटिंग हो रही है ना दोनों के बीच, मीटिंग तुम लोग समझते हो ना, हाँ समझते हो, है ना, तुम लोग भी मिलते होगे, ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना। तो देखो यहाँ, देखो यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना होगा, या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, 4, और एल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर, आई मीन कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, उसमें वैल्यू रख देना है, तो हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ क्या होगा, आई मीन लेंथ, लेंथ ऑफ क्या होगा, रॉड ए बी इज इक्वल टू क्या होगा,
रीडिंग बिफोर वर्नियर, बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, आई मीन वन सेंटीमीटर प्लस क्या होगा, क्या होगा, डिवीजन वन साइड विद द क्या होगा, मेन डिवीजन आई मीन फोर इंटू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो लिस्ट काउंट कितना होगा, पॉइंट कितना होगा, जीरो, यही होगा। ये कितना हो जाएगा, वन सेंटीमीटर प्लस क्या होगा, पॉइंट जीरो फोर सेंटीमीटर, आई मीन कितना हो जाएगा, 1.04 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये बात, है ना, क्या है, समझ में आया। अब मैं होमवर्क देता हूँ, इसको खुद से ट्राई करना, है ना, फिर हम आते हैं एक दूसरा सम करेंगे। ठीक है, केवल क्या करना है ये तुमको देखना है ना, हम सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ, है ना, कॉम्प्लिकेटेड वाला वाला मुझे भी ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो इसी पे, है ना, और खुद से तुम लोग ट्राई करना। फाइंड द क्या होगा, फाइंड द डायमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ क्या होगा, स्फीयर एज शोन इन द क्या होगा, इन द फिगर। अब देखो मैं सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। यहां मैंने क्या किया, मेन स्केल ड्रॉ कर लिया, मेन स्केल बड़ा ड्रॉ मत करना तुम लोग, है ना, बोर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए यार मेन स्केल। ये वन डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डेंस कितना होता है, वन मिली एम्पियर, सॉरी मिली मीटर, एम्पियर नहीं, सॉरी मिली मीटर, है ना। ये क्या होगा, देखो दिस इज जीरो, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, है ना, ए वन हो गया, टू वन टू, है ना, सॉरी वन टू थ्री फोर, ए वन हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, और ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, है ना, केवल यही तुमको क्या करना है, ए मेन स्केल रीडिंग। यहाँ एम भी दिया रहेगा, है ना। अब यहाँ क्या है, यही क्या है, देखो ए वाला इधर मैं एक सपोर्ट दिखा देता हूँ तुमको, ये क्या हुआ, ये जैसे वहाँ जाओ दिया हुआ था वैसे ही, है ना। यहाँ मैंने क्या किया, देखो यहाँ एक स्फीयर ड्रॉ किया है ना, स्फेरिकल होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, है ना, यहाँ से जीरो से यही, यही क्या है, ठीक है, यही तुम्हारा वर्नियर स्केल है। हे दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, डायमीटर, इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं, है ना, ये बी हो गया, यही तुम्हारा क्या होगा, वर्नियर स्केल। यहाँ मैंने लिख दिया, देखो वन, ठीक है जीरो है, वन टू थ्री फोर, है ना, चलो यहाँ अगेन हमने फोर से कॉन्साइड किया, फोर, ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, पॉइंट फाइव, और ये ठीक है, ये जीरो, है ना, ये जीरो नहीं होगा, जीरो ही होगा, है ना, ये क्या होगा तुम्हारा, वर्नियर स्केल। ठीक
है क्या होगा वर्नियर स्केल, आई मीन इसको हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। आपको क्या करना है, अगेन देखो यहाँ से काउंट कर सकते हो, ये क्या होगा, ये देखो अभी ये 0.1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 0.5 सेंटीमीटर, 0.6, तो 0.6 सेंटीमीटर तुमको दिख गया है। अब ये वाला लेंथ मेजर करने के लिए हम लिस्ट काउंट से क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ भी अगेन मैं लिख देता हूँ, मैं ये नहीं बताऊँगा लेकिन तुम लोग लिखना, रीडिंग रीडिंग ऑफ क्या होगा, आई मीन सिंपल लिख देता हूँ, डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होगा एन प्लस स्मॉल एन इंटू क्या होगा लिस्ट काउंट। एन कितना होगा देखो यहाँ से 0.6 प्लस, अगेन कौन सा डिवीजन कौन साइड हो रहा है यार, 4 देखो 1, 2, 3, 4, तो 4 डिवीजन इंटू क्या लिखेंगे 0.01, यही लिखोगे ना, तो ये 0.6 प्लस 0.04, ये कितना हो जाएगा 0.64 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 0.64 सेंटीमीटर आंसर। तो ऐसे हम क्या करते हैं, रीडिंग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे रीडिंग मेजर करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।